सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल अजमेर चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, आज के वीडियो में बात कर रहे हैं वीवो के Y58 5G फोन में गूगल असिस्टेंट प्रॉब्लम के बारे में। अब दोस्तों, कुछ लोग होते हैं अपने फोन को स्विच ऑफ करने जाते हैं, लेकिन उनके फोन में पावर ऑफ बटन ना आकर गूगल असिस्टेंट शो कर देता है। इंजय पर लिए मेरे पास फोन है, यहाँ पर मैंने पावर बटन पर लॉन्ग प्रेस किया, यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है जो कि ब्लैक स्क्रीन पे आपको इस तरीके का देखने मिल जाता है, जो कि इस तरीके का आपको गूगल असिस्टेंट शो कर रहा है, यहाँ पर पावर ऑफ करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम आप भी झेल रहे होंगे, आपको भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे, आप अपने फोन में सोच रहे होंगे क्यों हमारे फोन में पावर ऑफ करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा एंड तक, आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो फाइनली दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग फॉलो कर लेना। तो चलते हैं स्क्रीन पर और आप लोग को चलकर बता देते हैं। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन को देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, ये फोन मेरे पास है, पावर ऑफ बटन पे गूगल असिस्टेंट आ जाता है, लॉन्ग प्रेस करते समय पावर ऑफ करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको दिखाता हूं, कंप्लीटली आपके फोन में पावर ऑफ बटन लाकर दिखाने वाला हूं। इसके लिए कुछ नहीं करना, फाइनली अपने फोन के सेटिंग के अंदर आ जाना है। सेटिंग के अंदर यहां पर आपको आने के बाद यहां पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। आपके फोन में एक ऑप्शन मिल जाता है इसके नीचे, यहाँ पर आपको शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं स्प्लिट स्क्रीन एंड यहाँ पर स्मॉल विंडो साइड बार। नीचे आपको आना है, एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर पास एंड होल्ड पावर बटन का, जैसे कि आपके पावर बटन को होल्ड किया जाता है यहाँ से। तो यहाँ पर आपको इस सेटिंग पे आ जाना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लिक करना है पास एंड होल्ड पावर बटन पे। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला नंबर आपको मिल जाता है इनेबल द पावर एंड इमरजेंसी मेन्यू, दूसरा नंबर आपको लॉन्च गूगल असिस्टेंट पे आपका सेट ही है। तो लॉन्च गूगल असिस्टेंट पे क्यों सेट है, जो कि आपके पास पावर ऑफ करने समय पे आपको पावर ऑफ करते समय गूगल असिस्टेंट इस तरीके का शो कर रहा होगा। तो ये चीज़ आपको अभी देखने को मिल जाता है, लेकिन अब यहाँ पर आप जैसे इस पर सेट करते हो, लॉन्ग प्रेस करते हो पावर ऑफ बटन पे, यहाँ पर आपको पावर ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से अपने पावर ऑफ बटन को सॉल्व कर सकते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, अपने फोन को स्विच ऑफ तुरंत कर पाओगे आसानी तरीके से। सेटिंग को आपको ट्राई कर लेना है, जो कि यहाँ पर अगर सेट कर रखो लॉन्च गूगल असिस्टेंट पे, तो आपके फोन में गूगल असिस्टेंट आएगा यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करते समय। अदरवाइज आपने यहाँ पर सेट कर रखे हो जैसे कि इनेबल द पावर एंड इमरजेंसी मेन्यू पे, तो आप जैसे ही अपने पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करते हो, यहाँ पर आपको पावर ऑफ करने का ऑप्शन आ जाता है। तो आसानी से अपने फोन को स्विच ऑफ कर पाओगे वीवो के Y58 5G फोन को। तो दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़, यहाँ पर एक सेटिंग हो जाता है। कुछ लोग को नहीं पता है कि आजकल के ज़माने में हम यहाँ पर एंड्रॉयड 14 यूज कर रहे हैं। एंड्रॉयड 14 के अंदर आपको एक नया फीचर ऐड कर दिया है वीवो की तरफ से। वो फीचर्स क्या है आपको बताता हूँ। यहाँ पर कंट्रोल सेंटर को नीचे करते हो, अगर आपको गूगल असिस्टेंट का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तो आप लोग यहां पर आपको एक पावर ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है कॉर्नर में, यहां पर मैंने मार्कर लगा दिया है, क्लिक करते हो आपको पावर ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहां से भी आप अपने फोन को पावर ऑफ कर पाओगे आसानी तरीके से, कहीं भी आपको प्रॉब्लम को झेलना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोग जाकर अपने फोन में ट्राई कर सकते हो एंड फिर हमें कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि मैंने जो चीज बताया जेन्युइन बताया, कोई भी फेक वीडियो नहीं है। तो फाइनली आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। फाइनली अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के इंप्रेस करना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बाय दोस्तों।